वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लैमर ब्यूटी एंड मैं हूँ शिखा और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ ये बहुत प्यारा सा आई मेकअप लुक। टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये लुक मैंने किस चीज के लिए अचीव किया है। तो यहाँ पे मैंने ये लुक एक मेहंदी गेटअप के लिए यूज किया है। हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप भी ये प्यारा सा आई मेकअप अचीव कर सकते हैं। थोड़ा पेशेंस के साथ करिएगा, बट हाँ, आप ये लुक बहुत अच्छा लगेगा आपके गेटअप पे, सो इसको ट्राई करिएगा। सो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज मैंने यहाँ पे कंसील से स्टार्ट किया है, कैसे मैं अपनी आई को प्रेप करती हूँ एंड कंसील करती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, इसलिए मैंने आज ये यहाँ से स्टार्ट किया है। तो आप कोई सा भी कंसीलर ले सकते हैं जो आपका फेवरेट हो। तो यहाँ पे मैंने कंसील कर लिया है, उसके बाद मैंने स्पॉन्ज की हेल्प से उसको अच्छे से डैब डैब में सेट कर दिया है। उसके बाद मैंने कोई भी लूज पाउडर आप ले सकते हैं, उसे सेट कर लीजिएगा। तो यस, यहाँ पे मैंने जो है आईब्रो पेंसिल ले ली है, इससे मैं अपनी आईब्रो को फाइन कर रही हूँ, उसको डिफाइन कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि लुक के लिए आपको पता ही है कि आईब्रो इज मस्ट। अगर आईब्रो नहीं होगा तो आपका लुक उभर के नहीं आता है उतना। पहले स्पूली की हेल्प से उसको कॉम करिएगा एंड देन उसको फिल करिएगा। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ला कटरीना का डी लेंस आई शेडो पैलेट लिया है, जिसमें बहुत सारे कलर आपको प्रोवाइड करते हैं। ये स्मॉल फ्लफी ब्रश मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ और आई एम गोइंग टू टेक अ पर्पल शेड जो कि मुझे बहुत पसंद है। सो या, ये मेरा आज का ट्रांजेक्शन शेड है, बेस कह लो आप इसको। तो मैं इसको आउट में पहले डिपॉजिट कर रही हूँ एंड देन मैं उसको इनर की तरफ स्प्रेड कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। तो यस, पहले डिपॉजिट करिएगा आप एंड देन उसको स्प्रेड करिएगा इनर साइड में। मेक श्योर जब आप इसको ब्लेंड करिए तो आप इसको आई लिड से लेके ना जाएं, इसको एक कर्व की शेप दीजिएगा, क्योंकि हमें आई लिड पे चाहिए नहीं है शेड ये वाला, इसलिए जो है आप इसको कर्व की तरह ब्लेंड करते हुए लेके जाइएगा। आप वरिड मत होइएगा कि नीचे भी लग रहा है, क्योंकि वो लगेगा ही क्योंकि हम ब्लेंड कर रहे हैं, बाद में हमें आई लिड से इसको वाइप अप करना ही है, सो नो वरी एट ऑल। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश लिया है जो कि वेगा का है और यहाँ पे मैं जो है डार्क ब्लू शेड ले रही हूँ और वो भी मैं अपने पर्पल शेड के ऊपर लगाऊंगी, इट मींस डिपॉजिट करूंगी एंड देन मैं उसको सेम जैसे मैंने पर्पल को स्प्रेड किया था, ब्लेंड किया था, तो पर्पल के साथ मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे LA गर्ल्स का प्रो आर्ट कंसीलर लिया है और ये HD है, सो आज हम इससे अपना कट क्रीज ड्रॉ करने वाले हैं। कट क्रीज ड्रॉ करते हुए मेक श्योर आप उसको इनर साइड से एक गोल आकार में लेके जाइएगा, टिल्ट मत करिएगा नीचे की साइड, नहीं तो फिर वो गोलाई बिल्कुल लगेगा। आपको हाफ करना है, पूरा नहीं करना है एंड देन उसको फिल करिएगा और फिर सेट कर लीजिए। ब्लू एंड पर्पल को मिक्स किया है एंड देन मैं उसको एक आउटर साइड में हल्का डेप्थ दे रही हूँ। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक दिस पिंक शेड जो कि बहुत ही प्रिटी पिंक था। तो यस, पेंसिल ब्रश मैंने यहाँ पे यूज कर रही हूँ और मैं इसको जो है एक स्मॉल सेक्शन में जो है डिपॉजिट कर रही हूँ, ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ डिपॉजिट कर रही हूँ और डिपॉजिट करते करते मैं उसको हल्का 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 स्प्रेड कर रही हूँ। नेक्स्ट अब हम लेने वाले हैं ये ऑरेंज शेड जो कि पिंक के बाद हमको डिपॉजिट करना है। मेक श्योर स्मॉल सेक्शन होना चाहिए, अगर आप ज्यादा ब्रॉड कर देंगे तो फिर दूसरा शेड आपका उस पर चढ़ेगा नहीं, दैट्स द रीजन सेक्शन में ही उसको डिपॉजिट करिएगा एंड बहुत ही लाइट हैंड से स्प्रेड करिएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये पैलेट ग्रीन लिया है, इसको भी मैं स्मॉल सेक्शन में ही लगाऊंगी, डिपॉजिट कर रही हूँ, मुझे इसको फैलाना नहीं है बिल्कुल इनर कॉर्नर तक, एक स्मॉल सेक्शन से डिपॉजिट करना है एंड देन स्प्रेड करना है ऑरेंज के साथ। तो एज यू कैन सी सब ब्लेंडेड ब्लेंडेड सा लग रहा है। ये शिमरी व्हाइट शेड लिया है जिसको मैं अपने इनर कॉर्नर पे डिपॉजिट करने वाली हूँ व्हाइट कलर के, आपको लग ही रहा होगा कितना सुंदर लग रहा है। तो ऐसे ही आप अपनी ब्रोबोन्स को भी फिल कर लीजिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बेला वोस्टिक का व्हाइट आईलाइनर यूज किया है और इसको मैं आज अपनी आईज पर बहुत ही प्यारा आर्च देने वाली हूँ।
आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आपने कट क्रीज ड्रॉ किया था सेम उसी को फॉलो करते हुए आपको अपने आईलाइनर को उसके ऊपर लगाना है और आपका कट क्रीज रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे Maybelline न्यू यॉर्क का ये जेल लाइनर लिया है और इसको मैं इसी के ब्रश की हेल्प से इसको डिपॉजिट कर रही हूँ नियर माय लैशेस। सो आज मैं यहाँ पर एक कैट लाइनर जो है ड्रॉ करने वाली हूँ। इसको मैंने एज अ काजल वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर लिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक थिन लेयर बनानी है, उसके बाद आप उसको हल्का हल्का मोटा करिएगा, उसके बाद आप आउटर की साइड उसको एक विंग दीजिएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़ा विंग नहीं, आपको स्मॉल विंग देना है क्योंकि फिर वो ड्रामेटिक सा हो जाएगा। सो यस, एक स्मॉल विंग देना है एंड देन उसको इनर कॉर्नर की तरफ भी आपको एक स्मॉल विंग देना है, सेम एज इट इज जैसे आपने आउटर साइड में दिया है, ठीक है? थोड़ा पेशेंस के साथ करिएगा, सब हो जाता है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक मेबलिन का हाइप कर्लर मस्कारा एंड इसको मैं अपने लैशेस पे अप्लाई कर रही हूँ। सेम एज इट इज मैं अपने लोअर लैशेस पे भी इसको अप्लाई कर लूंगी जो कि बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फॉल्सेस अप्लाई कर रही हूँ जो कि मिंक की हैं और बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए होगा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो या हियर इज माय फाइनल लुक, कैसा लगा आपको मेरा ये आई मेकअप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लुक के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।